भाइयों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पहली मर्तबा दरमियान में आई है, लोगों से बात करते हैं तो लोग एक सवाल करते हैं कि क्या कभी ये मुमकिन हो सकता है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, क्या मुसलमान एकजहती का सबूत दे, इतिहास का सबूत दे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये उस वक्त तक सही कहते थे जब मजलिस नहीं थी। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिस शहर से मैं आमदार चुनकर आया हूँ, उस शहर में 27 साल पहले तक हर आमदार हर खासदार मुसलमान चुनकर आता था, लेकिन पिछले 27 सालों की अगर राजनीति पे अगर हम नजर डालेंगे तो एक बात हमें समझ में आएगी कि 27 सालों में एक भी मुसलमान वहां से चुनकर नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि मुसलमानों को गैरों ने नहीं, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। मोहतरमा खान शकीला साहिबा, हल्के वार्ड नंबर 35 के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनाब शाकिर पटनी साहब, सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुंबई जनाब नज़ीरुद्दीन साहब, साबिका चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दाइस पर बैठे हुए जिम्मेदारान, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माफ माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इस 35वें वार्ड के इलेक्शन की मुहिम का जलसा किया जा रहा है। मैं आपके दरमियान में हैदराबाद से आया हूं और मेरा नाम मौजम खान है। मैं हल्का बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का आमदार हूं और 3 मर्तबा उस इलाके से जीता हूं। इस कल्याण शहर की आवाम की मोहब्बत, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से लगाओ, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से जिस तरीके से आपकी मोहब्बत है, जिस तरीके से इस जमात से मोहब्बत है, वो चीज को देखते हुए मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी हिदायत के ऊपर मैं आपके दरमियान में आया हूँ इलेक्शन कैंपेन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उम्मीदवार इस कल्याण शहर के अंदर भी मजलिस इत्तेहाद सरमाएदारों को लोन देते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों का पुराना शहर है, मुसलमानों के पुराने बस्तियों में जब हम लोन देते हैं हुसूल करने के लिए नहीं जा सकते, वो चीज को देखते हुए मरहूम सदर आली जनाब अल हाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम बैंक कायम किया गया है जहां गरीब मुसलमानों को लोन दिया जाता है। ये दारुसलाम बैंक के हैदराबाद जो महिलाओं के असल मसाइल है, ये महिलाओं के असल तकालीफ है, वो चीज को हमेशा नजरअंदाज करते रहे ये उम्मीदवार, वो सारे चीजें देखते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आके कहे कि साहब अब के हम लोग भी इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जो नाइंसाफी उस कल्याण के शहर के आवाम को हो रही है, उस कल्याण के शहर की नाइंसाफी को दूर करना है, उसी की वजह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में अपने उम्मीदवारों को लाई है। आप एक वक्त इस उम्मीदवार को भी वोट डालकर देखिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरीके से काम करती है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का क्या पॉलिसी है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का क्या प्रोग्राम है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरीके से अपने कॉर्पोरेशन में हिस्सा लेकर हमारे उम्मीदवार